तो नमस्कार स्टूडेंट, आज मैं जो आपके सामने जो वीडियो लेकर के आया हूँ, ये हमारा जो टॉपिक है सॉफ्टवेयर के ऊपर है। और ये वीडियो हमारा लेकर आने का मकसद ये है कि अभी हमारा जो मीडियाटेक का है, मीडियाटेक के अंदर एक नया फीचर्स निकाला हुआ है। अगर पहले जो आता था मीडियाटेक का 0.4 आता था, आज मीडियाटेक ने 0.5 फीचर निकाल दिया है, जिसमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमको कमेंट करते रहते हैं कि सर नया नया फीचर आता रहता है, तो आप उसके बारे में भी वीडियो दें, ताकि हम जो डोंगल आपसे लिया है या आपके माध्यम से जो डोंगल परचेज कर रहे हैं, उसके माध्यम से जो काम कर रहे हैं, तो उसमें हमको समझ में नहीं आता। क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो आज यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से काफ़ी चीज़ों को सीखा हुआ है, या बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग हमसे ट्रेनिंग लेकर गए, आज काम कर रहे हैं, लेकिन वो जब कोई नया फीचर आता है तो उनको पता नहीं चलता। तो वीडियो के माध्यम से उनको इतना पता चल जाता है कि ये नया फीचर क्या आया हुआ है, इसको उपयोग कैसे करना है, और सर ने हमको क्या सारी बातें समझाई है। तो हम लोग जो दोस्तों सीखने वाले हैं, ये मीडियाटेक के बारे में सीखने वाले हैं कि मीडियाटेक का जो 0.5 वर्जन आया हुआ है, इस 5 वर्जन के अंदर क्या क्या फीचर हैं और इसको कैसे उपयोग करेंगे और क्या चीज़ नया ऐड हुआ है। चलिए दोस्तों, मैं हम आपके आगे वीडियो में चलते हैं, वीडियो के माध्यम से सीखते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक स्टूडेंट कानपुर से बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग से संबंधित टेक्निकली पूरा कोर्स आपको सिखाया जाता है। तो सबसे पहली बात, हमको डोंगल को अपने सिस्टम में लगाना पड़ेगा और UMT सपोर्ट क्या करेंगे, ओपन करेंगे। जैसे आप UMT सपोर्ट ओपन करेंगे तो आपके स्क्रीन में UMT सपोर्ट खुल जाएगा। जब UMT सपोर्ट ओपन हो जाता है, तो ओपन होने के बाद आपको इंस्टॉलर में जाना है। इंस्टॉलर में जाने के बाद आपके पास नया फीचर क्या आया है, आप देखेंगे मीडियाटेक का 0.5। जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, तो इसको डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद इसको यूज करेंगे। मैं आपको पूरा डिटेल में फिलहाल, तब तक मैं आपको समझा देता हूँ। तो हम लोग अपने लोकेशन में जाएंगे। लोकेशन में जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे 0.5 कहीं पर रखा हुआ है, ये देखिए ये आ गया है। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे। जैसे आप एक्सट्रैक्ट हियर करेंगे तो ये फीचर आपके सामने आ जाएगा, इसे आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यस बोलेगा, ये बोलेगा इंस्टॉल कर दीजिए। जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के लिए फीचर खुल जाएगा, आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, देखिए अब इसमें क्या क्या फीचर ऐड हो गया, देखिए मैं आपको बताता हूँ व्हाट्स न्यू, मतलब इसमें नया क्या आया है। मीडियाटेक अल्टीमेट मीडियाटेक टूल व्हाट्स न्यू, नया क्या आया हुआ है, अगर आप देखेंगे सबसे पहली बात इसमें जो नया ऐड हुआ है वो मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ। क्या क्या चीज़ें नई ऐड हुई हैं, सबसे पहली बात तो इसमें वीवो के मोबाइल फ़ोन ऐड हुए हैं। वीवो के लेटेस्ट सिक्योरिटी चल रही है, ये वीवो को मोबाइल फ़ोन ऐड हुए हैं। पहले हमारा वीवो Y53S है, ये मॉडल हमारा ऐड हुआ है। Y53S में दो मॉडल आते हैं, एक आता है PD210-3F और 210-4F, तो दोनों मॉडल हमारे ऐड हो गए हैं। और देखिए और क्या फीचर ऐड हुआ है, आप देखिए न्यू पैच जैसे पोको C3, C31, C55, पोको M2 Pro, Redmi 10 5G, 6A, 9A और भी उसके जो सिक्योरिटी के जो नए पैच हैं, वो सारे नए पैच अपडेट हो चुके हैं और ये सारे फीचर इसमें ऐड हो गए। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट इंस्टॉल। मैं आपको इसको पूरा टूल के बारे में पूरा डिटेल से बता भी देता हूँ। मैंने आपको बता भी दिया कि दो मोबाइल फ़ोन ऐड हो गए हैं और रेडमी के काफ़ी सारे मोबाइल फ़ोन इसमें ऐड हुए हैं। ये इंस्टॉल हो गया है तो हम लोग इसको दोबारा इंस्टॉल नहीं करेंगे, फिनिश। एक ड्राइवर इंस्टॉल करने को बोल रहा है, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, ओके करिए, कैंसिल करिए और ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया। तो हम लोग देखेंगे मीडियाटेक का जो हमारा नया सॉफ्टवेयर कहाँ पर इंस्टॉल हो गया, हम लोग पहले अपने स्क्रीन पर देखेंगे। मीडियाटेक के सॉफ्टवेयर को हम लोग ओपन करेंगे। ये देखिए मीडियाटेक,
इसे ओपन करेंगे, जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन करते ही आपके स्क्रीन में सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। ये देखिए सॉफ्टवेयर आपके स्क्रीन में खुल गया। सॉफ्टवेयर खुलने के बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर सारे ऑटो का फीचर दिया हुआ है। अगर आप ओप्पो वीवो जो भी मॉडल लेना चाहते हैं, वीवो ले लिया, वीवो के बाद जो भी मॉडल लेना चाहते हैं, वाई 17 जैसे चल रहा है, काफ़ी मॉडल 15 जो मोबाइल फ़ोन लॉक नहीं खुल रहा था, वो सारा इसके माध्यम से अब खुलने के लिए फ़ीचर्स आ गए हैं। तो जो भी आप मॉडल लेना चाहते हैं वो सारे मॉडल को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसको आप ऑटो मोड में डालना चाहें तो ऑटो मोड में डाल देंगे तो ये ऑटोमेटिक ही उस चीज़ को क्या कर लेगा, डिलीट कर लेगा और आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर आपके यहाँ पर सर्विसेज में आ जाती हैं, दो ऑप्शन खुल जाते हैं, एक तो फ्लैशिंग का ऑप्शन खुल जाता है और उसके बाद सर्विस का ऑप्शन खुल जाता है। तो सर्विस में जाएंगे, सर्विस में मान लीजिए आपके मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करना है तो यहाँ पर जाएंगे, सबसे पहले फॉर्मेट FRP के लिए ले लेंगे। यदि आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन है जिसको खाली फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट विजय डाटा ले लेंगे। अगर मान लिया किसी मोबाइल फ़ोन के अंदर FRP ऑलरेडी पहले से लगा है तो खाली FRP को ले लेंगे, उसके बाद एग्जीक्यूट कर देंगे। जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो बोलेगा मोबाइल फ़ोन कनेक्ट कराओ, मोबाइल फ़ोन कनेक्ट करा देंगे और आपका मोबाइल फ़ोन लॉक खुल जाएगा। उसके बाद यदि आप मोबाइल फ़ोन में मेटा मोड से रीसेट करना चाहते हो तो यहाँ पर रीसेट कर देंगे तो मेटा मोड से रीसेट हो जाएगा। हमारे MediaTek का जो CPU का जो मोबाइल फ़ोन आता है, तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ, जितने भी मोबाइल फ़ोन आते हैं अगर आपका MediaTek का CPU लगा हुआ है तो MediaTek CPU को रीसेट करने के दो मेथड होते हैं। एक तो पहला होता है मॉडल के हिसाब से, दूसरा होता है मेटा मोड। मॉडल के हिसाब से जो हमारा रीसेट होता है, इसमें हमारा ब्रूम मोड में फ़ोन कनेक्ट होता है, ब्रूम मोड में फ़ोन कनेक्ट होने के बाद हमारा मोबाइल फ़ोन रीसेट हो जाता है। मेटा मोड में हमारा फ़ोन पोर्ट मोड में कनेक्ट होता है, पोर्ट मोड में कनेक्ट होने के बाद, यह भी बोर्ड कनेक्ट होने के बाद हमारा मोबाइल फ़ोन क्या हो जाता है, रीसेट हो जाता है। लेकिन मेटा मोड में हमारा फ़ोन मेटा मोड में कनेक्ट होता है, जैसे आपका क्वालीकॉम CPU के लिए EDL मोड होता है या सैमसंग के लिए डाउनलोडिंग मोड होता है, उसी तरीके से MediaTek CPU के मोबाइल फ़ोन के लिए उसमें एक मेटा मोड होता है। इस मेटा मोड से मोबाइल फ़ोन हमारा कनेक्ट होता है, कनेक्ट होने के बाद फिर मोबाइल फ़ोन फॉर्मेट हो जाता है। और जैसे ही हमारे मोबाइल फ़ोन को लॉक खोलने का मतलब है, मोटी भाषा में बोला जाए, फ़ोन को फॉर्मेट करना। क्या करना? मोबाइल फ़ोन को फॉर्मेट करना। अगर आप किसी भी मोबाइल फ़ोन को फॉर्मेट करेंगे तो फॉर्मेट करने का मतलब है लॉक खोलना। अगर आप किसी भी मोबाइल फ़ोन को लॉक खोलना चाहते हैं तो लॉक खोलने का मतलब है आप मोबाइल फ़ोन को फॉर्मेट कर दीजिए। जैसे आप मोबाइल फ़ोन को फॉर्मेट कर देंगे तो फॉर्मेट करने का मतलब लॉक खुल जाएगा। तो ये हमने आपको फॉर्मेट करने का तरीका यहाँ से सिखाया हुआ है। यदि आप फ्लैशिंग करना चाहते हो तो यहाँ पर फ्लैशिंग कर सकते हैं, लॉक खोलना चाहें तो यहाँ से कर सकते हो। तो पहला फीचर आप इसका यूज़ करेंगे, दूसरा फीचर आप इसका इस्तेमाल करेंगे, पहला और दूसरा। अब उसके बाद यदि आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन आता है उसमें MI अकाउंट लगा होता है तो यहाँ से आप MI अकाउंट को रीसेट कर सकते हैं। अगर आपका हवाई का अकाउंट लगा होता है, ओप्पो का अकाउंट लगा होता है तो यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। तो ये MediaTek फीचर के अंदर ये हमारी सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो इसमें ऐड हो गई हैं। तो दो दो चार मॉडल ऐड कर दिए गए हैं। अगर आप देखेंगे तो जैसे वर्जन बार बार अपडेट होता है, तो देखिए मैंने जब वर्जन को अपडेट कर दिया तो यहाँ पर 0.5 लिख करके आने लगा है। 0.5 लिख के आ रहा है कि नहीं, तो क्या दोस्तों ये लिख कर गया था। तो ये हमारा फीचर इसमें अपडेट हो गया है। तो जो भी लोग रिपेयरिंग करने वाले हैं, तो रिपेयरिंग करने का मतलब क्या होता है, उसमें कोई नया फीचर ऐड होता है तो नया फीचर का जब आप यूज करेंगे तो उसको खुद ही आपको समझ में आ जाएगा और इसको कैसे मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करेंगे। अभी अपने डोंगल के अंदर आईफोन का भी फीचर आने वाला है कि इसके माध्यम से हम आईफोन के मोबाइल फ़ोन को भी रिपेयर कर सकते हैं। क्यों इसलिए रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे अनलॉक टूल के अंदर ये फीचर दिया हुआ है और बाकी और भी डोंगल हैं उनमें सॉफ्टवेयर में आईफोन का फीचर दिया है, लेकिन अपने UMT डोंगल के अंदर, UMT प्रो डोंगल के अंदर आईफोन का अभी तक कोई बेहतर सपोर्ट नहीं आया है। लेकिन अब इस कंपनी ने इसका भी सपोर्ट देने के लिए बोला हुआ है, इसने अपने ऑफिशियल साइड में इसको अपडेट भी कर दिया है। बस जिस दिन फीचर लॉन्च होकर के अगर आपके इसमें आ जाएगा तो आप उसको पूरी तरीके से आप यूज़ कर पाएंगे और हम आपको उसका पूरा वीडियो भी बना करके देंगे कि कौन कौन से मोबाइल फ़ोन को आप आईफोन के इसके माध्यम से आप रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और आज हमने आपको MediaTek का जो नया 0.5 अपडेट आया है उसके बारे में आपको समझाया है। तो हमारे जो असिस्टेंट हैं जो वीडियो के माध्यम से ट्रेनिंग ले रहे हैं, सीख रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से एंड तक पूरा देखें, और देखने के बाद इससे संबंधित और भी वीडियो ऐसा है जो चैनल पर पड़ा हुआ है,
जिस चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैसे हम मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करने का तरीका सीख सकते हैं। और अगर इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप चाहते हैं कि अगर आप पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ए से लेकर जेड तक आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, तो आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक के पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसमें पूरा हार्डवेयर है, पूरा सॉफ्टवेयर है, एमएमसी रिपेयरिंग है, प्रोग्रामिंग है, या मोबाइल फ़ोन में टच ग्लास काम्बो को रिपेयर करना है। यानी जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक के हम कंप्लीट पूरा ट्रेनिंग लेते हैं। और सीखने में समथिंग आपको 45 दिन का समय लगता है, 45 दिन के अंदर आप पूरा फुल ट्रेंड होकर के अच्छी तरीके से आप काम करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें, और कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट पर मैसेज जरूर करें। तो आज की वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।